मेंशन करने वाली हूँ टॉप 6 मॉइस्चराइजर जो मेन और वोमेन दोनों के लिए है। और ये मॉइस्चराइजर आपको बहुत ही अफोर्डेबल यानी कि 10 रुपीज से लेकर के आपको 200 में आपको मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव है और जो ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या तो फिर ऑल स्किन टाइप से सबके स्किन टाइप्स को देखते हुए मैं एक वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाई हूँ जिसमें आपकी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इनफैक्ट अब वेडिंग्स भी स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारी लड़की है जो मॉइस्चराइजर ढूंढ रही है जिससे हमारी मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो, मेरी मेकअप हाइड्रेटिंग हो, मॉइस्चराइज हो, फ्लॉलेस हो। परेशान हो रहे हो मॉइस्चराइजर किस टाइप का लिए जिससे हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो, फ्लॉलेस हो, ड्यूई हो, तो मैं इस वीडियो में आपको हेल्प करने वाली हूँ। आप भी देख सकते हो मैं ज्यादा आज मेकअप नहीं की हूँ, बहुत ही लाइट में मेकअप की हूँ। और मैं इस आज मैं यूज की हूँ निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, यही क्रीम मैं यूज की हूँ। मेरी स्किन देख सकते हो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लग रही है। इनफैक्ट मैं 7 से 8 वीडियोस अब इंस्टाग्राम पे मैं रील बना के आ रही हूँ और ये मेकअप मैं कम से कम 2 बजे में मैं की थी, अभी 8 बज रहे हैं। तो अभी तक ये मेकअप आप देख सकते हो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा, मेरी मेकअप बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लग रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको गाइड करूंगी मेरी सीक्रेट्स क्या है और मैं क्या सब चीजें यूज करती हूँ अपने स्किन को फ्लॉलेस के लिए, ग्लोइंग के लिए, हेल्दी के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए और अपना मेकअप को फ्लॉलेस रखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती है, लेट्स गो स्टार्टेड। सबसे पहला मॉइस्चराइजर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ लैक्मी पीच मिल्क, और ये प्रोडक्ट दावा करता है 24 आवर्स के लिए मॉइस्चर को लॉक करता है। तो मैं आपको बता दूं ये जैसे बोलते हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके स्किन को कम से कम वही 12 आवर्स तक आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज, हाइड्रेट और आपके फेस का जो मॉइस्चर है उसे लॉक करके रखता है। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इसकी टेक्सचर की मैं बात करूँ तो आपको ये क्रीम बेस मिलता है, आप देख सकते हो, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूंगी। और बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इसे फेस पे अप्लाई करते हैं बिल्कुल भी नहीं लगता आपने मॉइस्चराइजर लगाए हैं, बहुत ही जल्दी आपके फेस पे ये ऑब्जर्व कर जाता है और आपकी स्किन जो है फ्लॉलेस हाइड्रेटिंग लगती है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा हेल्दी और फ्लॉलेस लग रही है, बिल्कुल भी मेरी स्किन डल नहीं हुई है। इस मॉइस्चराइजर को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ये मॉइस्चराइजर मेन और वोमेन दोनों यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बड़ा ली हूँ जिसकी वजह से मुझे ये 349 का ये पड़ा है, लेकिन आप इसका छोटा पैक लेते हो तो आराम से आपको 100 अंडर में मिल जाएंगे। तो आप इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉइस्चराइजर की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पे निविया का सॉफ्ट मैं आपको ये मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर रही हूँ। ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा ये भी लाइट वेट है। और लैक्मी और निविया का मैं कंपेयर करूँ तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है लैक्मी का, लेकिन उसके बाद ये आता है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसकी मैं टेक्सचर की मैं बात करूँ तो इसका भी क्रीमी है, लाइट वेट है और व्हाइट कलर का आपको क्रीम मिल जाता है। और इसे अप्लाई करते हैं तो आपके फेस में बहुत ही इजिली आपके फेस पे ब्लेंड होता है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर जाता है जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती है, हेल्दी लगती है। इनफैक्ट अगर आप मेकअप के नीचे भी आप इसे लगाते हैं इससे आपकी मेकअप जो फ्लॉलेस होती है, ड्यूई होती है। तो इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मॉइस्चराइजर आपको 90 रुपीज में मिल जाएगा। इसकी मैं क्वांटिटी की मैं बात करूँ, क्वांटिटी 50 ml है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये क्रीम बहुत ही अच्छा है, ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट, अगर कोई वोमेन मेन कोई भी अगर कोई चाहती है आयुर्वेदिक लगाए, आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा बिलीव रखती हो तो आपको ये बायोटिक का आपको ट्राई करना चाहिए। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और ये आपको लोशन बेस्ड मिलता है, आप देख सकते हो इसकी टेक्सचर। बस इसका मुझे एक चीज खराब लगता है, एक बार बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है, इसका एप्लीकेशन मुझे सही नहीं लगता पर्सनली। मैं इसका 2-3 डब्बा यूज कर चुकी हूँ तो ये मुझे बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है। और इसकी टेक्सचर की मैं बात करूँ तो ये लोशन बेस्ड है और आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ देर तक आपको मसाज करते हैं, उसके बाद आपकी फेस जो होती है बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनके लिए बेस्ट होगा, थोड़ा सा स्किन डल दिखाता है लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपके फेस को मॉइस्चर को लॉक रखता है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई किसी की स्किन ड्राई है तो डेफिनेटली बायोटिक का ट्राई करे और ये 100% आपको आयुर्वेदिक मिलता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, ये मैं आपको जॉब्स का सिया बटर मॉइस्चराइजर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन टाइट हो जाती है, स्किन खिंची खिंची से लगती है, मेरी एक फ्रेंड है वो बार बार हमेशा मुझसे प्रोडक्ट पूछती है मॉइस्चराइजर बताओ, उनकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट है, तो मैं उनको रिकमेंड की तो वो उनको इससे बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। तो वो भी बोल रही थी ये मॉइस्चराइजर सच में बहुत ही बेटर है और उनके स्किन के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। तो आप भी एक बार मेरे कहने पर ट्राई जरूर करना। सिया बटर मॉइस्चराइजर की
क्रीम बहुत ही बेस्ट है और आपके फेस को बहुत ज्यादा रिफ्रेश रखता है। और इसकी स्मेल की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है और ये मुझे इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी वाला बहुत ही प्लीजिंग सा इसका स्मेल है। मेल हो या फीमेल हो दोनों ही लगा सकती हैं और मेकअप के नीचे भी आप लगा सकती हो जिससे आपकी मेकअप जो होती है फ्लॉलेस होती है। तो इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई करना, उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा जिनकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट है या उनकी स्किन खिंची खिंची सी रहती है, ड्राई बहुत ज्यादा रहती है, एक्सेस ड्राई है, तो उनके लिए ये वाला मॉइस्चराइजर बेस्ट है, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक मटर के दाने कितना आपको लेना है, देन आपको फेस पे अप्लाई करना है, डैब डैब करके उसे अच्छे से आप ब्लेंड कर ले। आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है बहुत ही इजीली वे में ब्लेंड हो गई है और मेरी स्किन बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही है, हाइड्रेटिंग लग रही है और ग्लोइंग लग रही है। देखा इसका कमाल। तो आप इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई करना, बहुत ही इफेक्टिव वाला मॉइस्चराइजर है, तो ट्राई करना तो बनता है कि नहीं। नेक्स्ट, ये मैं स्पेशली मेंस के लिए ये मॉइस्चराइजर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ और ये गार्नियर का है ये मॉइस्चराइजर। इस क्रीम की एक खासियत है यूवी रे से आपको प्रोटेक्शन देता है जिससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। दूसरी चीज में विटामिन सी है जो आपके स्किन को लाइटन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही आपके इसमें ग्रीन टी भी मिल जाता है जो ओवरऑल ये इसकी फॉर्मूला जो है आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी और आपके पॉल्यूशन से भी आपके स्किन को बचाएगा। आप धूल प्रदूषण की वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है, आप जॉब करने जाती हो या आप स्कूल नहीं जाती हो या खेलने जाती हो तो धूल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है जिससे आपकी स्किन दिन ब दिन डल हो जाती है और आपका ग्लो जो होता है छुप जाता है। इसकी पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो आपको एक ट्यूब में आता है और इसकी मैं टेक्सचर की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा क्रीमी है और लाइट वेट है और इसे आपको एक मटर के दाने के इतना अप्लाई लेना है और देन आपको फेस अप्लाई करना है डैब डैब करके। देन आपको इसे अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ और उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी ग्लोइंग और आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी हो जाएगी। तो इस मॉइस्चराइजर को बॉयज जरूर ट्राई करें। लास्ट में एक और मॉइस्चराइजर आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ये है बोडो प्लस और ये वाली 3 रुपीज में आपको मिल जाता है और ये पॉकेट फ्रेंडली है तो आप इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई करना। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, साथ ही ये मल्टीपर्पज के तौर पे ये यूज़ होता है जैसे आपकी स्किन पे कट लग जाती है या आपकी स्किन क्रैक है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई है तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं या पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो आपको बस एक मटर के दाने के इतना लेके आपको अप्लाई करना है। जैसे मसाज करिए उस तरीके से मसाज कीजिएगा और आपकी स्किन ओवरनाइट में बहुत ज्यादा आपके स्किन जो है हेल्दी हो जाएगी, ट्राई जरूर करना। जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताई हूँ सारे प्रोडक्ट्स में कम से कम 4 इयर्स से मैं यूज कर रही हूँ, अल्टरनेट करके एक बार में नहीं लगाती हूँ। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल में बेस्ट मॉइस्चराइजर मैं आपको रिकमेंड की हूँ। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो वाला आप इसमें से ट्राई कर सकती हो और जो आपके स्किन के लिए हो वही लेना, ठीक है। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दी हूँ और आई होप आपको ये मेरा वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन का भी ऑप्शन मिलेगा उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जो पसंद आती हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और इसके बाद आप कौन सा वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी फरमाइश पर वीडियो लेकर आऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली बातें भी करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे मुझे डीएम करते हैं तो मैं सारे मैसेज का मैं रिप्लाई देती हूँ और जब आप मैसेज कीजिएगा तो प्लीज आप मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट लेके आप भेजिएगा तब मुझे पता चलेगा हाँ आप मेरी सब्सक्राइबर्स हो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कोई दूसरा कोई, क्योंकि मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं सभी का मैसेज का रिप्लाई देना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता। आप प्लीज मेरी जगह एक बार रख के देखो, मैं एक लड़की हूँ और कितने लोगों का मैं मैसेज का रिप्लाई दूंगी, तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें और आपसे मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।